जय जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जिन हिसाब से अपराध बढ़त है, वास्तव में वह चिंतनीय है। चिंतनीय एकर वजह से है कि आम आदमी निकलना मुश्किल हो गए है। मैं 7 अक्टूबर के बात आप लोग बताना चाहता हूँ। 7 घंटा में जिन है 3 अपराध हुई, लूट हुई, केनाल रिंक रोड में, एक जेल रोड में, एक मुआ बाजार में। ये 3 घटना और एक दिन पहली 2 घटना वो हो रही से लगातार ऐसा घटना हो थे। एक समय मोला ध्यान है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पर कहे जाए कि शांति है भाई, आपके राजधानी में जैन भी बाहर से लोगन आवाए वो कहें बात ला। ये बात ला प्रमोद दुबे जी भी जानत हुई, ये बात ला रामत और तिवारी जी भी जानत हुई, ये बात ला नरेश गुप्ता जी भी जानत हुई। लेकिन ऐसा का हो गए है, ऐसा का चीज हो गए है जेखर चलत ये पुलिसिया जन व्यवस्था है गड़बड़ा गए है। वैसे तैयारी चलत है, शनिवार के बैठक भी हुई से जेमा यहू बताया जात है कि सादा वर्दी मा इतिहार के जहाँ जहाँ तिहार है वहाँ जिन भीड़ हो जाते वहाँ पुलिस वाले मन सादा वर्दी में रहीं, हथियार के साथ रहीं। क्लोज सर्किट जिन कैमरा है ओखर माध्यम से पल पल के जानकारी पुलिस वाले मन लीही। लेकिन ये बात लभी ध्यान दे पड़ी कि आम आदमी ला दिक्कत मत हो, काबर की लाइन से तिहार है और वही हिसाब से अपराध भी बढ़त है। यही विषय में बात करे बार आज हमार पहुना मन जुरिया हैं। तो हमार साथ हैं प्रमोद दुबे जी, सभापति हैं नगर निगम के। हमार साथ हैं नरेश गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमार साथ जुड़ी ही रामातार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकर से हम बात करबो और जानबो कि हमार शांति वर्जन प्रसिद्ध राजधानी आज कौन दिशा में जात है और कैसे वास्तव में सही तरीका से हमार राजधानी रायपुर जिन है जिन ओकर पहचान है ओला हमला लौटाना, ये सबके नैतिक जिम्मेदारी है। तो सबले पहली जन हमर सवाल है सभापति प्रमोद दुबे जी के पास है कि आखिर राजधानी रायपुर की स्थिति जिन है ऐसा काबर बिगड़ा थे, काबर ऐसा लूट हुआ थे, काबर ऐसा चोरी हुआ थे, का कारण है प्रमोद दुबे जी? आप मनला बहुत बहुत नमस्कार। और जो प्रश्न आप बोले हो वो यक्ष प्रश्न है। और कुछ समय पहले आप मन मालूम हुई कि राजधानी जब बने के बाद रायपुर शहर के जो पॉपुलेशन रही से वो लगभग 10,71,000 रही से और आज लगभग 17 लाख यहाँ के जनसंख्या हो चुके हैं। और जो प्रतिदिन बाहरी आदमी जो ना थे ओकर संख्या लगभग 2.5 से 3 लाख प्रतिदिन यहाँ अलग अलग व्यापार के केंद्र होए के कारण अलग अलग प्रकार के आदमी उड़ीसा से आते, आंध्र प्रदेश से आते, खरीदी करे बर आते। तो राजधानी रायपुर अब महानगर के श्रेणी में आगे है और महानगर के श्रेणी में आए से बहुत सारे बाहर के आदमी मन घलो आते, यहाँ धंधा करे बर घलो आते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से अपराध के घटना में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी हो है, ये बात मैं स्वीकार करत हूँ। लेकिन उतके मुस्तैदी से पुलिस घलो काम करत है, चाहे आप हत्या के 2-3 मामला अभी हुई, रिंकू तांडी के हत्या हुई, सोकर 2 घंटा बाद अपराधी मन पकड़ लेगी। एक CSEB के रिटायर्ड अधिकारी रही से ओखर पूरा जो पेंशन के पैसे रही से तेलर लूट ले रही ने, तो ओकर 5 अपराधी यहाँ पकड़ा गए। ये अभी गुढ़ियारी में बड़े ज्वेलर्स में लूट के कांड हो रही से ओकरो अपराधी मन पकड़ा गए, वहाँ से माल बरामद हो गए। तो पुलिस घलो अपन काम में समय के अनुसार मुस्तैदी घलो ला थे। ओकर अलावा अभी एक जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है एकर पहली समीक्षा जो करी रही से गृह विभाग के साथ में बैठ के, ओमा जो किरायादार हैं उनकर मन के सघन जांच करवाते हैं। तो मोले ऐसे लगते है कि ये सब करे के बाद अपराध में श्रेणी में कमती आई, अपराध घलो राजधानी में कम हुई। आप मन मालूम है कि पहले यहाँ 770 लगभग कैमरा लगे रही से और ओकर कमांड सेंटर से देखे जात रही से, लेकिन बहुत अंदर अंदर तक के कैमरा नहीं लग रही से। वर्तमान में लगभग 450 कैमरा और लगत है। तो वो जो कैमरा गली के अंदर पहुंच जाए ही, कॉलोनी वाले मन से घलो हमन आग्रह करे हैं कि अपन कॉलोनी के में कैमरा लगा लो, कैमरा ला कमांड सेंटर से जुड़े पर जोन भी थोड़ा बहुत खर्च होते वो खर्च ला आप कॉलोनी के माध्यम से कर लो, रेसिडेंट एसोसिएशन बना करके। तो कुल मिला करके संदीप जी मोला ऐसे लगते
कि पुलिसिंग ला घलो आधुनिक पुलिसिंग की ओर बढ़ करके कदम ला बढ़ावत है उमन, तो आने वाला समय में एक रिजल्ट और अच्छा से मिली मोला ऐसा लगता है। आने वाला समय में एक परिणाम मिली है बात जिन्हें प्रमोद दुबे जी कहा थे। नरेश गुप्ता जी, प्रमोद दुबे जी के बात से आप कतेक संतुष्ट हो? छत्तीसगढ़ के राजधानी में जिन्हें चोरी लूट एक घटना बढ़त जाते, जिन आंकड़ा है मोर पास वो आंकड़ा के हिसाब से यदि सितंबर महीना के हम बात करें तो चाकूबाजी के 19 घटना हुई, हत्या के 6 घटना हुई, धोखाधड़ी के 24 घटना हुई और चाकू के नोट में 17 जने हैं ये घटना ला अंजाम जिन्हें अपराधी मन दे हैं। यदि हम जुलाई महीने के बात करें तो 793 मामला दर्ज हो रही से जेमा विभिन्न प्रकार के मामला रही से, अगस्त महीना के बात करें तो 876 मामला दर्ज करे रही से, एमा भी बहुत सारा अलग अलग मामला है। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी रायपुर मा अब दिन दहाड़े घटना ला अंजाम देवत हैं अपराधी मन। पहली ऐसे हुए कि अपराध हुए तिन सुनसान इलाका में होत रही से, लेकिन जन केनाल रिंग रोड है, चाहे अंबेडकर अस्पताल के पास की घटना हो, चाहे मोहा बाजार के पास की घटना हो, एक पहली दो दिन पहली के भी जन घटना हो, ये बहुत व्यस्त वाले इलाका है जहां लोगन के आवाजाही रही थे, तो का अपराधी मन के मनोबल बढ़ गए है कि हमार व्यवस्था में कमी है? नरेश गुप्ता जी, देखो सबको INH देखिया और सुनैया लोगन ला नवरात्रि के बधाई, जय श्री राम। मैं आप मतलब बताता हूँ अजक का बात प्रमोद जी कही से ना, यह पर्याप्त है कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ये प्रदेश में ये राजधानी में खराब हो चुके हैं। जब का बात कही वो अच्छा हो जाए कहीं से, मतलब आज अच्छा नहीं है, ये बात तय हो गई है कि आज अच्छा नहीं है, अच्छा करे के जरूरत है। ओखर बर सब झंडा प्रशासन, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ गुप्ता जी, जिन्हें विभिन्न प्रकार के चैनल में बैठत रही थे तो एक वजह से कई बार ऐसा दुविधा की स्थिति हो जाते। अभी आप गुप्ता जी News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैठे हो आप, तो चैनल जेन है दूसर है क्या? हाँ, News24 हुआ है बाबा यार। तो मैं आप मतलब बताता हूँ कि जो मैं बात कहे हो ना कि प्रमोद जी जो कहा थे वो सुधारे की बात कर रहे थे, मतलब आज स्थिति खराब है तभी सुधार जाओ आप मन बोला ना भाई, सुधारे की बात होते है और सुधारना चाहिए, वो सुधारे बार सब वो समाज के हर वर्ग के बैठक में व्यवस्था होना चाहिए, उल्ला बला के उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनका बात ना सुनना चाहिए। और एक बात और है, एक समाज और एक संगठन के मन बैठ के दूसर समाज और दूसर संगठन की बुराई नहीं करना चाहिए। शांति समिति की बैठक में एक समाज के आदमी गणेश विसर्जन के ऊपर जो घटिया स्तर के बात करी और वहाँ बैठे हुए सत्तारूढ़ दल के और प्रशासन के मन ओला एको शब्द नहीं कही, तो ये सब खराब बात है। ओला दूसर आदमी लग कोई करे की जरूरत नहीं है। जो गणेश विसर्जन है, गणेश विसर्जन कैसे होते, का व्यवस्था होते, ओखर परंपरा का है, ओखर काम करे के तरीका का है, विसर्जन कैसे करते, पूजा पाठ कैसे करते, ओला दूसर समाज के मन दूसर धर्म के मन नहीं कह सका। ये सब चीज ला सत्तारूढ़ दल ला और प्रशासन ला समझे लागी, कैसे काम ला कैसे करे लागी। आप आज मांगा था डिटेल का किराएदार मन की, आज तक की व्यवस्था काबर नहीं स्थापित करे रहे हो, कैमरा लगे से दहशत में आ जाते हैं आदमी मन, कैमरा की संख्या बढ़ावा, अपराधी मन समझ जाते हैं मेरे कैमरा लगे है तो अपराधी भाग जाते हैं। मैं प्रशासन के एक निर्णय से सहमत हूँ कि पुलिस के संख्या बढ़ाना चाहिए, लेकिन सफ़ेद वर्दीधारी के बजाय वर्दीधारी पुलिस रखाओ। वर्दीधारी पुलिस हुआ है ना तो पब्लिक भी एक्टिव हो, पुलिस खड़े मोर बाजू में, कोई पड़ोसी कोई बाजू वाले मारत रही ना तो वो पकड़े जाए कि बाजू पुलिस है देख पकड़ गा कही हुआ, नहीं तो का है वो सोचिए तो कोई दूसरा आदमी खड़े हो बताने नहीं करी बोला, तो उम्मीद सुधार करो आंशिक रूप से, पुलिस के संख्या बढ़ाते हो तो सफेद वर्दीधारी के बजाय वर्दीधारी पुलिस ले रखी हो ना। सफेद वर्दीधारी का जरूरत है, कोई आप जासूसी करे नहीं लगा भाई, जासूसी करे कैमरा लगे सब, आप जासूसी करे बार जो स्टाइलिश चोर है तो उन पकड़े बार होते ना, मर्डरर हो गए, चाकूबाज है, पॉकेट मार है, तो ओला आदमी कैसे करी जाए जोन स्तर में गोल बाजार थाना थी ना यदि चाकू मारत हैं तो ओमे तो आप सफ़ेद वर्दीधारी कैसे करिए, वो दुसाहस है तो डर बने पर देखो पुलिस के वर्दी के डर होते, वर्दी के डर बहुत पर्याप्त है।
वर्दी के डर दिखना चाहिए, वर्दी के डर है, स्वार्थ से बाहर होना चाहिए। लेकिन एक व्यवस्था, ये व्यवस्था जन बनात रही ने गुप्ता जी, ये व्यवस्था रही बिल्कुल होना चाहिए वर्दी के डर, वर्दी वाले मतलब जन डर होना चाहिए। हाँ लेकिन का कई कई शातिर जन बदमाश है ओकरा पकड़े पर ट्रिक भी चाहिए काबर की मतलब एक तरीके से चौकड़ना गोल बाजार में है और गोल बाजार में है गुप्ता जी देखो क्या होते जब पुलिस लगते गुप्ता जी संपर्क नहीं हो पाते दिखना भी चाहिए पुलिस से कही थी तो जनता के मनोबल बढ़ते नहीं नहीं जनता के मनोबल बढ़ते है और जनता है ना खड़े हो जाती पुलिस हवा पुलिस हवा तो वो चोर ला डकैत ला ये गुंडा मावाली मतलब पकड़े पर ओकर उत्साह बढ़ते पुलिस है बाजू में तो पुलिस ही नहीं समझे तो वो डर के भाग जाए तो ओला पब्लिक का मॉरल सपोर्ट पर पुलिस दिखना चाहिए। मैं नहीं कहा कि सफेद वर्दीधारी एकदम हटा दो लेकिन तो सफेद वर्दीधारी बहुत मिनिमम संख्या में होना चाहिए सफेद वर्दीधारी जासूसी कराए बर ये गुप्ता जी के सुझाव है जासूसी कराना है जेन अपन जेन ड्रेस होते पुलिस के वही ड्रेस मां प्रदेश में जब है कि रामातर तिवारी जी से भी समझ लेथन वरिष्ठ पत्रकार हैं राजधानी रायपुर ला बहुत करीब से देखे हैं और राजधानी जब ये बनी जिन बात प्रमोद दुबे जी कहतरीन जिन बात नरेश गुप्ता जी कहतरीन है कि सन 2000 में जब ये राजधानी बनी रायपुर है तो वो समय अब धीरे धीरे बदलत जाते महानगर के रूप जिन्हें हमार रायपुर लेवत है लेकिन वही हिसाब से अपराध भी बढ़त है अंतर्राज्यीय गिरोह यहाँ सक्रिय है ये बात लभी पुलिस बार बार अलर्ट करत है। आप रामातर तिवारी जी बहुत करीब से राजधानी रायपुर के हर चीज ला आप देखे हो अपन लेखनी के माध्यम से अपन सोच के माध्यम से आज राजधानी रायपुर में ये जन घटना हुआ थे चाहे लूट के हो चाहे चोरी के हो चाहे अपराधी मन के जिन्हें मनोबल बढ़े दिखे दिखते हमला कि लोगन जिन्हें कई जगह कल आप एक वीडियो भी देखे हो वायरल वीडियो देखे हो कि गुंडा बदमाश मन के कतेक मनोबल बढ़े है कि स्कूली छात्र ला वो मारा थे हम ओला दिखा नहीं सकन काबर की हमला हमारा मकसद जिन्हें व्यवस्था सुधारना है। तो रामोतर तिवारी जी आप ये बताओ कि आज राजधानी रायपुर के जन स्थिति है का कमी रही गए है कहाँ चूक हुआ थे जेकर वजह से आज राजधानी रायपुर में अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ा थे। राजधानी में अपराध बढ़ा थे बात तो सभी स्वीकार करते थे और सभी चिंतित थे एक बात। दूसरा ये बात है कि छत्तीसगढ़ बने के बाद राजधानी में बाहरी आदमी मन के संख्या बहुत तेजी से बढ़ा थे ज्यादातर अपराध करने वाला बाहर के उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश दूसर राज्य से आए आदमी छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़िया आदमी भोला भाला होते वो मेहनत मजदूरी करके अपन जीवन जीते वो एक और स्टाइल अलग है जो बाहर से आते वो खर लिए निगाह रखे पड़े कि कौन आवा थे का उद्देश्य से आते और ओखर लिए एक अलग टीम तैयार करके रखना चाहिए कावर शहर के बीचों बीच घटना होते एक आदमी मतलब भय और अविश्वास खड़ा होते कहीं न कहीं पुलिस के भय खत्म होते पुलिस के जो बूट के डर होना चाहिए वो नहीं है कहीं न कहीं भारतीय संविधान नियम धाराओं से लोग लग रहा है कि छूट जाते हैं तो ये अलग अलग विसंगति विस्तारित करने की जरूरत है कि जिस तरह से मामला में हर मामले में देखो ज़्यादातर बाहर के आदमी हैं पुलिस वाले मनोमा खाना पूर्ति करके पूरा करते एक्चुअल में पकड़ात नहीं है आदमी वाना बहुत कम आदमी पकड़वाते एक दूजन पकड़ाते तेनला प्रचार प्रसार करते गिरोह आवत है घटना ला अंजाम देवत है छत्तीसगढ़िया वाला भोला भाला आदमी वाला अलग अलग तरीके से योजनाबद्ध तरीके से फंसावा थे और प्रताड़ित करा थे और जा थे तो ऐसे एक सेल और नया बनना चाहिए मोर तो ऐसे कहना है। देखो जिस तरह से नया टेक्नोलॉजी आए है नया टेक्नोलॉजी के बाद अपराधी ला पकड़ना आसान हो गए पहली जब टेलीफोन नहीं रही से नेट नहीं रही से कैमरा नहीं रही से तब रायपुर शहर शांत रही से रायपुर शहर मत घटना नहीं होती से एकाध दूसरा घटना मौधा पारा बजनाथ पारा में हो गए तो खर हल्ला कई दिन तेल मचा अभी
रोज ऐसे घटना होते, रोज ऐसे घटना हो एक बात पुलिस ला आधुनिक संसाधन से युक्त रहन पड़ी, सतर्क रहन पड़ी, अब पुलिस ला भी अपन आचरण ना थोड़ा बदले पड़ी। अभी जो पुलिस थाना से लेकर ऊपर तक देखे तो पुलिस वाले में थोड़ा जिसे बोलते ना मैं आ जाती थी, पत्रकार में मैं आते तो मैं पना ज्यादा रही थे तो वो साठ गांठ रही थे या अहम रही थे तो उमस वास्तविक घटना के करीब नहीं पहुंच पाते। मामला का है कैसे होते एमा आदमी ला कैसे राहत दे जाए, तो ये राजधानी रायपुर में नया नया फैसला तो हो आगाम पिछले एक महीना से पुराना एसपी रेखा से बदलेगी की घटना बढ़ा थे, नया एसपी आए नया नया प्रयोग करत थे, अगर प्रयोग के बावजूद भी घटना बढ़ का है बढ़ते जाते, घटना बढ़े के कारण जो है ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं ऐसा भी किराया वाले मन के नाम सूची लेवत है, ये ठीक कदम है ताकि बाहर से कौन आदमी आते का गतिविधि से पुराना ओकर पता का रही से वो डिटेल लेवत है कैसे एक अच्छा स्थिति। परंतु जो आत योजनाबद्ध तरीके से कहीं कुछ देर के लिए आवत है घटना अंजाम देवत है वो तरीका ले ही पुलिस ला प्रशिक्षण ओला संसाधन और ओला एक बेहतरीन टीम के साथ काम करे के जरूरत है ताकि शांत छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं यहाँ लोहा में बड़े कारोबार है, यहाँ सीमेंट के बड़े बड़े कारोबार है, तो यहाँ व्यापार है बड़े व्यापार एक सिटी जितना भुक्कड़ राज है आसपास के वहाँ से आदमी ज्यादा आवत है, तो ये ला बचाए के कोशिश सब मिल के करना चाहिए। सब लोग मिल के करना चाहिए, बहुत अच्छा बात जिन है वरिष्ठ पत्रकार रामोतर तिवारी ये बात ला रखे हैं। प्रमोद दुबे जी, एसपी बदल जाते कोई भी अपराध आते तो ये जन फेरबदल होते प्रशासनिक जन फेरबदल होते, ये थाना ले एला बदल दीस, वो टीआई ले बदल दीस, वो एसआई ले वहाँ कर दीस, तो एकर से का फर्क पड़ते? जैसे अभी बदले के बाद भी तो अपराध हुआ थे, तो ये जिन्हें प्रशासनिक सर्जरी होते एकर लाभ मिलते कि नहीं मिले? संदीप भी निश्चित रूप से ओकर लाभ मिलते, जो लंबा समय तक कोई थानेदार अगर रहते तो वो अगर बदलते तो बहुत कारण बहुत सारा कारण रहते, लेकिन एक दो जो बड़ी चीज़ ये है कि अभी आप मन देखो तो कि जो दो साल कोरोना काल में हजारों आदमी के व्यापार व्यवसाय ठप हो, जो छोटे छोटे व्यापार करते रहे तिखर मन के तो दुकानें बंद हो गए, बहुत सारा ऐसे जो और प्रकार के छोटे छोटे काम करें उनको मन के दुकान बंद हो गए, ओकर बाद से आदमी बेरोजगार बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए हैं, और कहीं ना कहीं यहू एक ठन एक बड़े कारण है पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जोन प्रकार के अपराध वर्तमान में हमन दृष्टिगत रखत हन तो उमा पहली आप मन देखत रहे हो कि मोहल्ला में एक मंदिर रहत रही से और गांव में घलो एक मंदिर रहत रही से, मोहल्ला में अब 10 मंदिर बन गए, गांव में अब 12 मंदिर हो गए, कहीं ना कहीं अपराध में कमी आए बर हमन संस्कृति और संस्कार के रक्षा करे बर और व्यापक पैमाना में प्रचार प्रसार और अपन लैका मतलब वो डहर हमन डाइवर्ट करते रहना उनका डहर। लेकिन आप देखो गणेश विसर्जन होते तो दूठी मर्डर हो जाते, कुछ हो इसी टाइप के कार्यक्रम होते, धार्मिक आयोजन होते उमा हत्या हो जाते, तो ये भी सोच लग कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता के माध्यम से हम सब लोग मिल के बदलना पड़ेगी, एकरो आवश्यकता है। ये में कोई पुलिस विभाग और जो प्रकार से आदरणीय रामतार तिवारी जी कहते ने वो बात से मैं पूरा सरोकार रखता हूँ, लेकिन ये चीज़ भी आज वर्तमान में हम लोग चिंता करे के आवश्यकता होना चाहिए। काबर के आज आप देखो वो बड़े बड़े ढोल ढमाका निकलते जब विसर्जन हो जाते और तुरंत बाद देखबे तो दो तीन जन के रास्ता मर्डर हो जाते, तो ये जो मन में जो उन विकृति जो उन प्रकार के होते वहू में सब लोग मिल के हमन ला चिंता करना पड़ेगी, अपराध ला कम करे की दिशा में यहू दिशा में हमन ला पुलिस तो जो उन करते तो उन करबे करी, लेकिन एक सामाजिक धर्म घलो हमन ला सब लोग मिल के निभाना चाहिए। और जहाँ तक के मैं आप मन के माध्यम से आपके लोकप्रिय दर्शक मन ला घलो आग्रह करूँ कि अगर आपके आजू बाजू में कोई किरायादार है तो आप फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पुलिस तक जरूर जानकारी दे दो, काबर की यहू में ये जो प्रकार से ये कोई पहली बार नहीं होते कि किरायादार मन के सूची बनते, पहली बार से, लेकिन
आदमी जो मकान मालिक होते तो वह अपन गरज ल 30% आदमी जागरूकता के माध्यम से वह समझते। आप देखो कितना टीकाकरण पर कितना जागरूक करी इस आदमी ल, तब बोले आज 1.25 साल में भी टीकाकरण के प्रतिशत हमारे 70-75 है। वो हम बेर बेर ओकर प्रचार कर ते मर जबे समझावे, तब वो ओकर मन में यही डर रही कि अब मैं मरीज जाऊँ तब वो टीका लगवाई। तो ये प्रवृत्ति ल कहीं ना कहीं छोड़ करके सब मिलके जागरूक होए के आवश्यकता है आज के समय में, मोला ऐसे लगते है। बाकी पुलिस वुलिस तो अपन काम करवे करी और भी सब मिलके जागरूक सचेत होए के आवश्यकता है। शासन सरकार जिम्मेदारी निभाएल पड़ी, ये बात प्रमोद दुबे जी कहते। नरेश गुप्ता जी बहुत देर से जब आप बात रखत रहे वो बात ला रखना चाहत रही ने। नरेश गुप्ता जी का विषय आप रखना चाहत हो जिन बात प्रमोद दुबे जी कहे है कि ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमला सबला मिलके अपन सामाजिक जन दायित्व है ओला निभाना है, जेखर से हम अपन राजधानी रायपुर जेन ओकर पहचान है शांति के राजधानी जला हम कहीं वो राजधानी ला वापस वैसन हम कर पान। अभी की स्थिति में तो ऐसा हो गए है कि शाम रात निकले माँ भी डर लगा थे, 7 बजे के बाद भी मन में भय आ गए। ठीक है, एसपी साहब भी बैठक लेने पूरा टीम के बैठक हुए, कलेक्टर भी जिन कलेक्टर साहब है वह बैठक ले हैं, सबो व्यापारी बंधु जतका हैं और सामाजिक जिन संगठन हैं ओला बुला के उनकर से चर्चा करे है कि काबर आगे लगातार त्यौहार है, नवरात्र है, नवरात्र के बाद दशहरा है, दशहरा के बाद ईद मिल भी है, उखर बाद आपके दीपावली है, तो त्यौहार है त्यौहार है। तो ये त्यौहार के बीच में अपराधी मन बड़ा सक्रिय हो जाते हैं। जिन पुलिस अलर्ट जारी करा थे उखर हिसाब से यही है कि लोकल पुलिस और जिन बाहरी गिरोह आधा दर्जन गिरोह यहाँ सक्रिय है, बात पुलिस वाले भी कहा थे। नरेश गुप्ता जी देखो जौन बाहर से आदमी आते थे यह आज जौन किरायादार मन के सूचना हाँ शिथिल हो गए रही थी, ये बहुत बड़े कारण है। सूचना के प्रावधान पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन वो काम एकदम शिथिल हो गए रही थी, आप रिकॉर्ड मंगा के देख लो। और सबसे बड़े चीज़ जौन है कोरोना काल से लेकर आज तक जौन अवैध शराब के धंधा जौन फलत फूलत है ना, ये राजधानी माँ आप VIP रोड में निकल जाओ, ये ढाबा लाइन में निकल जाओ महासमुंद रोड में, तो आप देखो कैसे शराब परसे जा रहे हैं, कहाँ स्थिति है साहब, कहाँ स्थिति है। कालम है मारल ड्यूटी सखावे, कैसे मारल ड्यूटी सखावे। महापौर जी सभापति जी से मैं कहा था, सभापति जी आप और मैं दोनों जन चला था जौन दुकान के सामने में शराब हो है, आप और मैं चल के खड़े होके बात कर, आप SP बोला हो मैं 5 की गवाही बोला हूँ, कार्रवाई करा ले वो हमें हमारी सुरक्षा हो पाए। वो सारा समस्या के जरा इसने हो गए शराब नशा के समान। आप निकल जाओ VIP रोड में, ये महासमुंद रोड में साहब कतका गाड़ी खड़े रही थे, कतका शराब पियाए जा रहे हैं, एकदम वो है खुला सच है, एकदम ओपन ट्रूथ है यह, और एक ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। उमा अभी महापौर में मूल्य निकल जाते हैं, पहले आप महापौर रहो प्रमोद जी, प्रमोद भाई जो एक बात कही से कि हमला सबला सार्वजनिक रूप सब जो सार्वजनिक जीवन जिये थे सबला इसमें सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। हम 24 घंटा खड़े हैं, महापौर सभापति जी आप कांग्रेस के नेता हो, मैं विपक्ष के नेता हूँ, आप मुझे समय दे दो, चलो अपन शराब दुकान डहर चली दोनों जन, जो हो है आप पुलिस ने बुला लो, आपके सरकार है, एक एक दुकान ला दरवाजा खोल खोल के ये जो VIP रोड पर झटका ढाबा कैफे सेंटर है ना यहाँ सब जांच करवाओ, आल आप छटन, आप 100 आदमी बुला लो, BJP 100 आदमी आ जाए, 1000 पुलिस बुला लो, छापामारी शुरू कर दो, प्रदेश सुधर जाए। लेकिन एक घर पर कौन करी, शासन ला प्रयास करे लगी, पहल से प्रशासन करी, प्रशासन बुलावे दोनों राजनीतिक दल ला, तीनों राजनीतिक दल ला, सामाजिक संगठन ला, कार्यवाही शुरू करो, एकदम ठीक हो जाए। लेकिन एमन नियत होना चाहिए ठीक करे के नियत होना चाहिए, हर बात के राजनीतिक उपयोग में होना चाहिए। मैं अभी तक ये नहीं कहूँ कि सरकार के संरक्षण में हुआ थे, कहा कि मैं चाहता हूँ कि शहर की व्यवस्था ठीक हो जाए, देश के प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। ये जन विकल्प बताते प्रमोद दुबे जी, जन विकल्प बताते नरेश गुप्ता जी दोस्ती के हाथ बढ़ाए है आपके कोती कि भाई दोनों मिल के चलथन, और जहाँ ये बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि नशेड़ी मन पूरा प्रदेश में और राजधानी रायपुर में उत्पात मचा के रखे हुए हैं।
जतका भी अपराध होत हे ओमा 70% अपराध जिन्हें नशा के कारण होत हे। त काय जिन्हें अपराध बढ़त हे, राजधानी के जन शांति व्यवस्था जन बिगड़े हे, एकर पीछे का नशा भी है। प्रमोद दुबे जी, हाँ हाँ, निश्चित रूप से नशा भी ओकर एक बड़े उदाहरण है। और नशा में मूलत तो दुख होते, आजकल देखो आप कि 19-20 साल के जवान लड़का मन है किस कदर एक्सीडेंट में उनके मृत्यु होते। मैं उनकर आपके माध्यम से जोन प्रकार से आदरणीय नरेश गुप्ता जी कहते ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सभी पालक मन के हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ कि अपन लड़का मन संभालो, पहली के संस्कार और संस्कृति से, चाहे वो रामावतार तिवारी जी हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे मोर घर में हो, हमन हा 7 बजे 8 बजे अपन घर में आ जाते रहे ना हमारे माँ बाप के डर में कि हमन ला पढ़ना है के। आजकल तो लेकर 9 बजे रात के घर नहीं निकलते और 1 बजे रात तक वो कहाँ रहते तो न तो तेकरों कोई ठिकाना नहीं है। जिद्दी स्वभाव के लेकर हो गए, मैं एकदम खरा बात बोला था आपला, मैं डरा वरा नहीं ककरों से। जोन बात है तो ये बात सच है कि हमला अपन ड्यूटी भी निभाना चाहिए। अपन पालक उनका ठीहा काबर बंद थे, 1 बजे तक रिये के ठीहा रुके के ठीहा ला खत्म कर दे है शासन है, तो लड़का 1 बजे तक घर ले बाहर नहीं रही भाई। एक देखो लड़का मन के माँ बाप नहीं देखो, आज के समय में सबला आवश्यकता है कंट्रोल में हवा कि 1 बजे रात में नहीं 10 बजे 11 बजे के बाद होटल रेस्टोरेंट बंद तो सब बंद, आदेश हवा ना, लेकिन बंद कहाँ होते, अरे जम्मा खुला है। नरेश जी एकदम प्रैक्टिकल में अगर मैं और आप कहना है एकदम प्रैक्टिकल में बात कर रहे हैं, घर से ही शुरुआत हुई। डंडा मैं खाऊं सबसे पहली शराबी मनसा नहीं 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 उमर डंडा खाए बात नहीं है। आपके मन में कुछ भी दर्द है पड़ी रामावतार तिवारी जी, अंतिम हमर गदर जिन्हें अंतिम पड़ाव में व्यवस्था ला सुधारो, आप शराब दुकान बंद कर दो ना भाई, शराब दुकान बंद करे के आश्वासन नहीं दे है प्रमोद जी। आप बोलो कि अवैध शराब नहीं बिकन दे, हम ओखर बात नहीं करियो आप। अरे भाई देखो गुप्ता जी, आपन ला मालूम है कि 15 साल शराब ये बिके है, मैं ओमन नहीं जाना चाहूँ। मैं सरकार के पक्ष में विपक्ष में ये बात नहीं करूँ, मैं एक दायित्व के अंतर्गत मैं अरे बिके है ना, लेकिन ऐसा नहीं बिकत रही से, शराब है शराब टाइप बिकत रही से, पानी टाइप नहीं बिकत रही से। ये आप ना ओला बंद कराए के बोलन में तकलीफ है, अरे आप बोलन नहीं चाहता हो, चलो नरेश भाई हमन बंद कराबो, 10 बजे के बाद शराब दुकान बंद, 1 बजे तक खुला रहे के तुम चाहा था। आप मतलब मालूम है बोलिए कैसे कि नरेश गुप्ता जी आप ठीक कहा तो चलो बंद करवाबो, कोई शराब दुकान ले 1 बजे तक खुले का परमिशन तो नहीं है ना। नहीं मैं तो आप बोलो ना, आप मुख्यमंत्री से हम बात करबो, हम चलबो चला था, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चलेंगे, अरे बिल्कुल चलेंगे। रामावतार तिवारी जी, आपसे जिन चर्चा होत रही से कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जिन अपराध लगातार बढ़त है वास्तव में चिंतनीय है। मोरो घर भी चिंता के विषय है, आपो घर भी चिंता के विषय है, काबर की हम ये राजधानी रायपुर में रही थन, ये राजधानी रायपुर ला हम बढ़त देखे हैं। और जब अपराध होते और कोनो कहते कि आपके राजधानी रायपुर अशांत होते तो सबसे ज्यादा पीड़ा हमी ला होते। मैं यही बात आप मन से कहना चाहता हूँ कि आप मन जागरूक भी बनाओ, आस पास कोई भी घटना ऐसा होते तो तुरंत अपन जिन पास के थाना है वहां संपर्क कराओ। जागरूकता ही जिन्हें अपराधी मल्ला जिन्हें डरा के रखी, और जिन बाहर के गिरोह आते हैं लोकल जिन बदमाश हैं उखर से डरे के जरूरत नहीं है, आप हिम्मत के साथ सामना करो, काबर की जब सब मिल के रही सब मिल के उखर से सामना करी और जागरूक रही तो अपराधी मन अपराध ला अंजाम नहीं दे पाही। एक बात अंतिम में मऊ कहना चाहता हूं कि घर से ही शुरुआत करेल पड़ी, जिन हमारे लड़का मन युवा पीढ़ी है जिन नशा के कारण अपराध ला जिन है अपराध की कोती चल देते हैं वह ला रोके काम हमला घर से करेल पड़ी। आप सबो अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखत रहो गदर, ये विषय में आगू और भी बात करो जब तक हमार राजधानी रायपुर शांति के टापू नहीं बन जही। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।